अॼु जी मीडिया में एंटरटेनमेंट जो एलिमेंट वधी वियो, उन जे लाइ तमामु इहो ज़रूरी आहे त सहाफ़त में ख़ुदि मीडिया में लिखण वारनि ऐं ख़ासि तरह सां जेके नवां लिखण वारा नवां सहाफ़ी उन्हनि जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त हू इन एंटरटेनमेंट वारे पासे ऐं ख़ुदि इंफोटेनमेंट आहे उहो हिकिड़ो पूरो सेक्शन आहे उन जे बारे में सिखनि, उन बारे में ॼाण हासिल। बुनियादी तरह सां स्टोरी टेलिंग उहा अॼु जी सहाफ़त जो तमामु हिकिड़ो अहम जुज़ बणिजी। स्टोरी टेलिंग जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां कंहिं बि वाक्य खे, कंहिं बि ॻाल्हि खे, कंहिं बि जेका स्टोरी आहे उन खे केतिरो हिकिड़े तख़लीकी अंदाज़ सां केतिरो हुनखे अदबी पेराए में खणी चइजे, या इहो त केतिरो वधीक मज़ेदार, इंटरटेनिंग, इंट्रेस्टिंग तरीक़े सां बयानु करे सघो। जेकॾहिं उहो तव्हां बयानु नथा करे सघो ऐं उहे सिर्फ़ु हार्ड फैक्ट्स ताईं आहे ऐं उहा उन सॼे मामले खे इंटरप्रेट नथी करे, उनजी पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरो पस मंज़र ऐं पस मंज़र अहिड़े तरीक़े सां जेको पस मंज़र लफ़्ज़नि में उहो बयानु उहो लफ़्ज़नि में चइजे न, बल्कि लफ़्ज़नि में उहो ॾेखारिजे, जंहिंखे चइबो आहे पुछो, त पोइ जेको आहे उहो सुठो हिकिड़ो पीस थी सघे थो, उहा हिकिड़ी सुठी स्टोरी थी सघे थी, उहो हिकिड़ो सुठो वीडियो थी सघे थो, उहो हिकिड़ो सुठो फीचर थी सघे थो। इन करे सॼे दुनिया में ऐं हाणे पाकिस्तान जे बि तक़रीबनि समूरनि यूनिवर्सिटियुनि में जेको क्रिएटिव राइटिंग आहे, तख़लीकी राइटिंग आहे, उन जंहिंखे हिकु सब्जेक्ट तौर ते पढ़ायो वञे थो, त जीअं नवां जेके सहाफ़ी आहिनि उहे जेका नई मीडिया आहे, जेका नई मीडिया जी दुनिया आहे, उन में पंहिंजी जॻह पैदा करे सघनि। इन करे स्टोरी टेलिंग हिकिड़ो वॾो आर्ट आहे, वॾो फन आहे। स्टोरी टेलिंग लाइ तव्हांखे में तकलीफ़ी सलाहियतनि जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। उन लाइ तव्हांखे जेके बि अदबी जेके डिवाइस आहिनि, अदबी जेके हिरफ़तूं आहिनि, अदबी जेके स्किल्स आहिनि, उहे तव्हां में अचणु तमामु ज़रूरी आहे। इन करे जेको तख़लीकी सलाहियतुनि जेके तख़लीकी राइटिंग आहे, तख़लीकी जेके लिखणियूं आहिनि, उहे सहाफ़त जो हिसो बणिजी रही। तख़लीकी तहरीर बुनियादी तरह सां अदबी तहरीर जे दाइरे में ईंदी आहे। पोइ इहा तहरीर सहाफ़ती तहरीर हुजे या हक़ीक़ी लिखणी हुजे या वरी ख़्याली ऐं गैर हक़ीक़ी, जंहिंखे असां अफ़सानवी चई सघूं था। अहिड़ी तहरीर में पढ़ंदड़ जो तवजो छिकाइण लाइ ऐं उन्हनि खे मसरूफ़ रखण लाइ लिखंदड़ पंहिंजे तखयल यानी इमेजिनेशन खे तख़लीक़ कंदा आहिनि या तख़लीक़ी सलाहियतुनि जो इस्तेमालु कंदे हू शयूं लिखंदा आहिनि। मुंहिंजे हिकिड़े दोस्त जो चवणु आहे त तख़लीक़ी तहरीर कहाणी ॿुधाइण जो फन आहे। तख़लीक़ी तहरीर हिकु तमामु वॾो ई वॾी फील्ड आहे, वसी मैदान आहे। असां हुनखे थुलेले खे ॿिनि क़िस्मनि में विराए सघूं था। पहिरियों फिक्शनल यानी अफ़सानवी ऐं ॿियो नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल जो मतिलबु आहे हक़ीक़ी वाक्यनि जे बारे में लिखणु, हक़ीक़ी माण्हुनि जे बारे में लिखणु, हक़ीक़ी लाड़नि जे बारे में लिखणु। लिखंदड़ हक़ीक़तनि या कहाणी खे पाण नथो घड़े, इहे जेके वाक्य आहिनि, जेका कहाणी आहे, जेके हक़ीक़तूं, इहे के फर्ज़ी या ख़्याली न आहिनि। तख़लीक़ी नॉन फिक्शन जंहिंमें सहाफ़त आहे, जेके आतम कहाणियूं, आतम कथाऊं आहिनि, यादगिरियूं आहिनि, या ॿियनि माण्हुनि जी ज़िंदगी जे बारे में लिखियल मज़मून, प्रोफाइल, खाका, किताब आहिनि, ब्लाग आहिनि, हू लिखियनि था जेके मज़मून उहे आहिनि, सफ़रनामा आहिनि, डायरी आहे, कंहिं माण्हू खे राज तहसीन या राज अक़ीदत पेश करण लाइ जेके शयूं लिखियूं हूंदियूं उहे आहिनि, फीचर आहिनि। इहे सभु जेके आहिनि से
दुनिया जी तरह से नॉन फिक्शनल है पर तख्लीकी है। असांजे बहस जो मौजू इते तख्लीकी नॉन फिक्शनल किस्म सा आए जेके सहाफत जो हिस्सो बन बे तरफ बिठो वने त फर्जी या ख्याली तौर ते जेके इमेजिनेशन में आने या जैसे चब घड़े लिखल कहानी शायरी नावल वगैरह जेके मुकम्मल तौर ते जो लेखक है जो लिखारी है वो पैंजे तखयल के बदल करे तो समूर वाक्य की तरतीब उनके थीम उनके किरदार ख्याल अफसान भी हुआ ख्याली हूँ जैमें अफसाना नावल फ्लैश फिक्शन अची वे अज के दौर में तख्लीकी तहरीर में कैरियर जहा इलाही सारा मौका मौजूद उनको वो स्कोप मौजूद है। खास तरह से यो जो स्कोप है वो नॉन फिक्शनल लिखंदड़ है। अज सजी दुनिया में वजू वजू ब्रांड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी पैंजा जो कस्टमर्स उनके पान सा गंढे रखना उनके जे कंपनी जो ब्रांड्स जे भी प्रोडक्ट्स जे भी खिदमत उनके बारे में मुसलसल उनके मशहूर रखने के लिए कहानी जो जो तस्वर है जो आइडिया है इनके इस्तेमाल कंदा इन ब्लॉग लिखाइन था इन जो मुख्तलिफ हवालन से माँ जहाँ राया लिखाइन था तो यो तख्लीकी अमल इन कर तख्लीकी नॉन फिक्शन की तमाम वही घुर्ज है डिमांड है। लिखंदड़ इन इलम की प्यासी दुनिया में पैंजे नॉन फिक्शन कम के जरिए आसानी से पैसा भी कमाए एतरे कदर जो हर तख्लीकी नॉन फिक्शन लिखंदड़ दौलत कमाने रागिब नजर अचे तो बे तरफ अफसाना निगार आम तौर पर पैं लिखियो शायर करण अगत उनकी आमदनी जो जो किताब छपजी वे तो या किथे कें सुठे कें अड़े मेजे में उनकी का छपजे थी या उनका का शे लिखाई वे थी तो उनको सजो जो मामलो आ किताब की रॉयल्टी थी वह रॉयल्टी उनके तद मिली जैसे यो किताब विकाम केतो विकाम अचो तो इन हकीकत के समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर से अस खबर एमेजॉन एक दुनिया की तमाम वही पब्लिशिंग इदारो आने वट 12 मिलियन किताब जिनमें 10 मिलियन फिक्शन जहाँ किताब हाँ तुम सोचो तो जैसे तुम बो किताब लिखो था फिक्शन जो किताब लिखो था उनके विक्रय थे जेतरा शायद बेस्ट सेलर जो लिखारी है उन्हें हैसियत से यो दर्जो हासिल करे सके तो पर उते पहरी तमाम वही रश है तमाम जजा मानू इलाही मानू लिखन था। फिक्शन लिखन एक तमाम वे हुजूम वाली जगह रश वाली जगह इतने अगे ही केतरा ही मानू मौजूद तेरे एडी वही रश में पैंजे लाए का जगह गोलन पैंजे लाए को स्पेस गोलन एतरो सवलो कम नाए उन्हें में कामयाबी हासिल करने ला ताँ के तमाम की उम्दे किस्म की कहानी बुधाइन जो फन अचन खपे या ताँ की जरूरत थी यो फन भी एतरो जो खास तरह से नावल लिखा के हवाले से हो नावल माने समूरो सजो मुकम्मल किताब और सागे वक्त इी शामू आई आतरा ही नवा अफसाना जुदा कहानी का नवा लिख नवा लिखारी पैसों के ना लिख उन पैसों कशिश नो रखे वो पैंजे इजहार ला लिखन था उन लिखन था लिखन चाहन था
जैसे पा चूं तो ये पैं शौक के लिए लिखन था जैसे आम तरह से वे शौक पढ़ा जन में आयो तो रुगो लिखण ही चाहो था तो लिखण ही चाहो थाजे अफसान के पैंजे लिखण के पैंजे इजहार के लिए रुगो इस्तेमाल करना चाहो था शेयर करना चाहो था तो एक कहानी आए तीन दिलचस्प कहानी दुनिया की कहानी के बुझान चाहो था शेयर करना चाहो था वो तुम या तो तमाम जो सेल्फ डिटर्मिंड आयो या सेल्फ मोटिवेटेड आयो जो करना चाहो था सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ डिटर्मिंड न बो तो यो छीण पे छाण जो केतरा ही जो लिखंदड़ जिनके आऊँ सुणा तो उन्होंने दिलचस्प कहानी पर हू पैं किताब के कद मुकम्मिल न कर सको इन करे जो उनको मोटिवेशन फोर्स मौजूद ना जहाँ उन्होंने धिके तो भाई ये सजो कम मुकम्मिल कर कें किताब लिखण के लिए यो तमाम जरूरी है तो रोज चार कला सो बिन टिन चैन महीन तय तदें को किताब मुकम्मिल थी सको तेरे तेजे ने तमाम आला किस्म के नज्म जब्त का सिवा किताब मुकम्मिल नथा कर सको यो कें वी कें अट्रैक्शन का सिवा मुमकिन नथो थी सके कें लिखण के जरिए पैसों कमाय तुम मकसद ना तीन तखलीकी लिखण वाली सलाहत के बेहतर बनाने चाहो था तो उनो अलग रस्तो उनो अलग पासो इन बेहतरीन तरीको यो आजे लिख लिखो पैंजे वेझन दोस्तों से शेयर कर राय वो यह गाल ख्याल में रखो तो उड़ा दोस्त हुन जैसा रोमांटिक किस्म जहाँ तलकात न होकर जो रोमांटिक तलकात के नतीजे में जज्बातियत है हावी थी वी जो भी दोस्त आ राय दीद फनी एतबार का एडी सगारी न होंगी तखलीकी सलाहतन के पान वट रोके रखण ढो मुश्किल हों पापंद तखलीकी सलाहत जो इजहार कर क्रिएटिविटी तखलीकी सलाहत उनकी असल माना है मुख्तसर लफ्जन में यो चई सकूँ था तो आम पेशेवराना जो लिखण उन हदों का बाहर थी कर तकरार में हलो वे तो यो चवस कें मजमून के बुनियादी ख्याल के सिर्फ मिसाल जरिए ही समझाए सके तो तेरे अफसानों शायरी नॉन फिक्शन तखलीकी लिख जैमें सहाफती लिखूँ शामिल जैमें हकीकी जिंदगी लिखूँ शामिल उनको आम मिसाल इन पा कदें कोई गाल।